तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक अपडेट। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, कुछ दिनों से चली रहा है कि इस गुड लक वाली जो ऐप है उसके सारे मॉड्यूल्स में अपडेट आ रहे हैं धीरे धीरे। तो आज ही एक और मॉड्यूल में अपडेट आया है जिसका नाम है कैमरा असिस्टेंट। इस ऐप में क्या नया अपडेट आया है, क्या नए चेंजेस किए हैं, सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन मिलेगा तो बात हो, ताकि ऐसी नई अपडेट आए सबसे मिलने मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एज ए टेक मंक। दोस्तों जैसा कि नहीं बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ कैमरा असिस्टेंट के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए वापस आपको सबसे पहले जाना है यहाँ पर गुड लक वाली ऐप में चले जाना है। गुड लक वाली ऐप में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको कैमरा असिस्टेंट में यहाँ पर कुछ अपडेट नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है और गो टू स्टोर पर चले जाना है। जैसे ही आप गो टू स्टोर पर चले जाएंगे, वो आपको ले जाएगा गैलेक्सी स्टोर पर। गैलेक्सी स्टोर पर देखेंगे तो आपको ये नया अपडेट यहाँ पर मिल रहा है। अब नए तो यहाँ पर आप देखेंगे अपडेट में आपको दिख रहा होगा क्या नया दे दिया गया है। तो यहाँ पर सपोर्ट दे दिया गया है वनी वाई 5.0 वर्जन और उससे ऊपर वाले वर्जन में, सब पे चलेगा। S23 फ्लिप सब में दिखा हुआ है और वन यू आई सिक्स में S24 A52 A54 A53 A52 इन सब में सपोर्ट करने लगा है। तो यहाँ पर सपोर्ट दे दिया गया है और इस अपडेट को रोल आउट किया गया है 30 जनवरी, मतलब आज ही के दिन इसको रोल आउट किया गया। इसका वर्जन नंबर है 2.102। तो इसको पहले तो कर लेते हैं अपडेट, अपडेट होने के बाद देखते हैं कि क्या नया चेंजेस किया गया है और क्या नया इसमें इंप्रूवमेंट कर दिया गया। तो उसको होने देते हैं पहले तो अपडेट। तो फाइनली हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद कर लेना है इसको ओपन। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर पिक्चर सॉफ्टनिंग का ऑप्शन दे दिया गया, तो यहाँ पर आप इसको हाई कर लेंगे। डिस्कशन करेक्शन के लिए दिया गया है तो उसको भी यस कर लीजिए। मतलब ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर, ऑप्शन सब वही हैं, बस इसके अंदर सपोर्ट दे दिया गया है। जो कुछ सपोर्ट का इश्यूज होंगे वो यहाँ पर रेक्टिफाई कर दिया गया है ताकि आप इजीली कैमरा असिस्टेंट को यूज़ कर पाएँ, तो उसका यहाँ पर सपोर्ट दे दिया गया है। तो सबसे पहले अगर पिक्चर को आप शार्पनेस अच्छा चाहते हैं, सॉफ्टनिंग, तो उसको हाई कर दीजिए। डिस्करेक्शन को इसको ऑन करेंगे ऑटोमेटिकली फिक्स बोइंग और बेंडिंग लाइन्स कॉज बाय लेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई फोटो खींचते हैं कुछ थोड़ी वो लाइन वाइन ऊपर नीचे होती है या फिर कुछ थोड़ा सा वो उसको दिक्कत होती है तो उसको ऑटोमेटिक करेक्शन कर लेगा। क्यूक टैप शटर बटन, तो इसको ऑन कर लेंगे तो फटाफट शटर बटन यूज होगा और क्विकली आप फोटोज क्लिक कर पाएंगे फटाफट। और एक और यहाँ पर दिया गया है वीडियो रिकॉर्डिंग इन फोटो मोड, टच एंड होल्ड द शटर बटन टू टच रिकॉर्ड इन फोटोज मोड। तो ये बड़ा शानदार फीचर एड ऑन कर दिया गया है इसके अंदर कि अगर आप कोई फोटो खींच रहे हो और आपको वीडियो करना है सडनली, तो आपको बार बार वीडियो में जाने की जरूरत नहीं। कैसे, लाइक मैं यहाँ कैमरे में आया, कैमरे के आने के बाद मैं फोटोज में हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ सडनली एकदम से वीडियोस बनानी, मुझे ध्यान आया मैं फोटो खींच रहा हूँ, फोटो खींचते मुझे सडनली ध्यान आया नहीं यार मुझे वीडियो बनानी है। तो सिंपली आप इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो ये वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा और डायरेक्टली आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ये चीज़ भी बहुत शानदार दे दी गई है, इजीली आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि इसको ऑन करके। टाइमर मल्टीपल फोटोज, तो यहाँ पर टाइमर लगा दिया है वन पिक्चर का कि जब भी आप क्लिक करें सिर्फ वन ही फोटो क्लिक हो मल्टीपल में। अगर आप चाहते हैं कितनी फोटो क्लिक हो मल्टीपल में तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, कितने गैप पीरियड में हो तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत शानदार दी गई है। उसके बाद आएंगे नीचे कैमरा टाइम आउट में कि अगर आपने कैमरा को ऑन करके रखा है, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं 1 मिनट से ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली कैमरा की ऐप बंद हो जाएगी और आप बाहर जाएंगे। डिम स्क्रीन वाइल रिकॉर्डिंग, तो ये फीचर भी बहुत शानदार है बैटरी सेवर की। अगर आप बहुत भयंकर या बहुत बड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये चीज़ अच्छी है। मान लो मैंने यहाँ कोई रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप 15 मिनट या 10 मिनट की, तो आप इसको यूज़ कर दो, 1 मिनट बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन डिम हो जाएगी बट रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, तो ये बहुत शानदार है। उसके बाद क्लीन प्रीव्यू ऑन HDMI डिस्प्ले, शो द कैमरा प्रीव्यू विदाउट सेटिंग और बटन HDMI कनेक्टेड डिस्प्ले। अगर आपने कोई HDMI डिवाइस डिस्प्ले को कनेक्ट कर रखा है उसके अंदर आपको क्लीन प्रीव्यू दिखेगा जो कि आप अपने मोबाइल में देख रहे हो। तो यही नया अपडेट था, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लेना। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।